हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैंने सोचा आप लोगों को मैं कैसे सहरी मिलता है वो दिखा दूँ। और ये मेरा पार्सल था, मिंत्रा से आया हुआ था। तो मैं हॉस्टल से बाहर थी उस टाइम पे दिन में, तो मैंने पे कर दिया था ऑनलाइन और उनको बोला था गेट पर रख दीजिएगा। और इसे गेट पर रखा हुआ रहता है सबका पार्सल, जो नहीं होते हॉस्टल में फिर कभी भी ले कर आ जाओ। और फिर अब मैं आई सहरी लेने, तो मैंने सोचा कि अभी पार्सल लेके एक बार मैं ऊपर चली जाती हूँ, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे मुझे बहुत तकलीफ़ होती है आने में। और ये सहरी था, भाई लोग ला के रख रहे थे। मैंने बस दूध और एग लिया, क्योंकि मुझे सहरी में ज़्यादा खाना पसंद नहीं है और मैं ब्रेड बिल्कुल नहीं खा पाती। और मैं ना दूध ला के बॉयल कर देती हूँ तुरंत, क्योंकि फिर मुझे ना सहरी के टाइम पे गर्म दूध पीना अच्छा नहीं लगता। और ये प्लीज़ इग्नोर करना, इसमें मैंने बिरयानी खाया था और मैंने ऐसे ही रख दिया। और ये है बिरयानी। एक्चुअली आई वेंट टू दिल्ली, तो मैं दिल्ली गई थी, तो आज आई हूँ। आते वक्त मैंने ओल्ड दिल्ली से, जो जामा मस्जिद के सामने होता है, वहाँ से मैं बिरयानी लाई हूँ। और ये अच्छा है, मैं खा के थोड़ा बच गया था तो मैं ये रखूँगी फ्रिज में। और ये बनाना ना ऐसे हो जाता है गर्मी की वजह से, एकदम जल जाता है। कुछ फ्रिज में रखते हो तो मिलता नहीं दोबारा, क्योंकि चोरी हो जाता है। और अभी जो मैं ये बिरयानी रखने जा रही हूँ, इसका मैं बिल्कुल होपलेस होके जा रही हूँ कि मुझे कल मिलेगा, क्योंकि आई नो नहीं मिलेगा। खाना खा के ख़त्म और ऐसे ही रख के सब चले गए। तीन फ्लोर के लिए तीन फ्रिज है, और आप लोग देख ही सकते हैं हालत क्या कर दिया है, फ्रिज की हालत ख़राब। ये मैं रख के जा रही हूँ एकदम सब से छुपा के इधर, ताकि कल मिल जाए। जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि मुझे कल मिल जाए। गाइज, थोड़ा सा रात की व्यू इन्जॉय करे हॉस्टल की। इस साल में ना, मतलब अभी जो हो रहा है मेरे मास्टर्स के टाइम पे, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है अभी। अभी मैं अकेली हूँ। एक फ्रेंड है, मतलब है वो, नाम की ऐसे नहीं बोलना चाहिए बट ऐसा ही है। वो अभी फ़िलहाल हॉस्टल में नहीं है, शे इज़ एट होम। और फिर वो आती है तो कभी कभी मैं उसके रूम में चली जाती हूँ, और बाकी मेरी ज़िंदगी ऐसे अकेला ही गुजरता है। और हॉस्टल के बाहर मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो नॉन रेसिडेंट हैं, हॉस्टल में नहीं रहती है, तो फिर उन लोगों के साथ मज़े करती हूँ मैं। अभी मैं अकेले ही बैठी रहती हूँ यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम, अपनी मतलब लाइफ की तन्हाइयों के साथ। यार बैठी तो थी बट मच्छरों ने अब बैठने नहीं दिया, मतलब बैठने नहीं दे रहे हैं मच्छर। पता नहीं क्या चूल है हर टाइम। एक तो अलीगढ़ में इतना मच्छर है ना, अलीगढ़ की मच्छर, आई हेट। एकदम रात में भी सो, चाहे रूम कितना भी लॉक करके सो, मच्छर एकदम तंग कर देते हैं। तो अभी मैं रूम में जा रही हूँ, मच्छर की वजह से मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। इधर से शॉर्टकट है। तो अभी जो मैंने पहले आप लोगों को व्यू दिखाया वो तो ना, वो था उधर मेन गेट के साइड में, और ये है अंदर के साइड में। अंदर मतलब अंदर के ग्राउंड है ये, और ये वो है बाहर के। ये कपड़े भी उठा लेते हैं, मतलब फिर ऐसा होता है ना कभी भी हवा चल, और ये मैं जल्दी लेके और रूम का हालत थोड़ा गंदा सा है, क्योंकि दो दिन से मैं बाहर थी तो झाड़ू पोछा कुछ नहीं, पोछा तो नहीं लगाते लेकिन झाड़ू नहीं लगा पाए थे। और ये है मस्कीटो नेट जो मैंने लिया था लास्ट ईयर, उस टाइम पे भी बहुत मच्छरों ने काटा था मुझे रूम में। और फिर ना ये इतना गंदा सा नेट है, वो वाला जो होता है आपको बस खोल के कर देना होता है वैसा वाला, इसके अंदर ना मतलब हवा ही नहीं जाती एकदम। मैं तो गर्मी की वजह से दो दिन एकदम मरने वाली थी, तो फिर मैंने ना ये यूज़ करना बंद कर दिया था। लेकिन अभी जो मच्छर है ना, अभी मुझे चाहिए नहीं, तो
मच्छरों की वजह से मैं मर जाऊंगी इसी दिन। गुस्सा आता है।